वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी को एक बार फिर से हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और आज का वीडियो में हम आपको गाइड करने वाले हैं कि दसवीं कक्षा के बाद आप कौन कौन से सब्जेक्टों का अच्छी तरीके से चुनाव करें, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, इनमें से कौन सा आप लें जो आपके भविष्य को बनाएगी और आप मतलब कि एक सही दिशा में आप जा सकेंगे। तो दसवीं कक्षा के बाद एक लाइफ चेंजर रोड होता है जो कि आपके पूरे जीवन को प्रभावित करता है। आपको एक ऐसा निर्णय लेना होता है कि हम कौन सा सब्जेक्टों का चुनाव करें। किसी किसी का सपना होता है कि हम सिविल सर्विसेज में जाएंगे, यूपीएससी करेंगे, डिफेंस लाइन में जाएंगे, या तो आपको एसएससी, रेलवे, बैंकिंग सेक्टर में जाना हो, या तो किसी को बिजनेसमैन बनना हो, या तो किसी को बैंकिंग से रिलेटेड में जाना हो, किसी को चार्टर्ड अकाउंट ये सब बनने का शौक़ होता है, किसी को पेंटिंग करने का शौक़ होता है। तो आप दसवीं कक्षा के बाद आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, इसमें से कौन से आप सब्जेक्ट का चुनाव करेंगे जो आपके आगामी जीवन के लिए, आपके आगे की कोर्स के लिए बहुत ही बेहतर हो सके। तो सबसे पहली बात यह है कि जब हम दसवीं कक्षा तक पढ़ाई करते हैं तो हमारा भविष्य जो है सो सारा हमारे माता पिता पर निर्भर होता है कि इसको कौन से स्कूल में पढ़ाएं, तो कहाँ पे ट्यूशन करवाना है, क्या क्या, मतलब बहुत ही गाइड मिलता है टीचर तरफ से, माता पिता से, मतलब कि हम उनके ऊपर निर्भर रहते हैं। लेकिन दसवीं कक्षा के बाद अपना करियर खुद चुनना होता है कि हम किस तरीके से पढ़ें, या तो कौन से सब्जेक्ट लें जिसमें हमारी करियर एक बहुत ही अच्छी हो सके। तो दसवीं कक्षा के बाद आपके पास तीन ठो ऑप्शन होते हैं, आपका साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स। तो आपको यह चुनना होता है कि साइंस लें कि कॉमर्स लें कि आर्ट्स लें। दसवीं के बाद अगर साइंस लेना चाहते हैं तो साइंस भी एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। अगर आप तेज स्टूडेंट हैं या कमज़ोर स्टूडेंट हैं या एवरेज स्टूडेंट हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, आप साइंस को ले सकते हैं। बस बात इतना ही है कि आपको बहुत ही ध्यान से थोड़ा पढ़ाई करना पड़ेगा। एक्चुअली होता क्या है कि साइंस में जब आप ट्वेल्थ में जाते हैं तो उसमें जो एक मैथ सब्जेक्ट है, तो आप जब एग्ज़ाम देंगे तो उसमें से कॉन्सेप्ट को उठा के वहाँ पे पूछा जाता है। आप यहाँ अपने किताब में पढ़े रहेंगे कि इंटीग्रेशन है, डिफ्रेंशिएशन है, तो इसमें इतना का पावर इतना है, तो चीज़ वहाँ पे वही पूछा जाएगा। लेकिन बस फर्क इतना ही रहेगा कि वहाँ पे डिजिट चेंज दिया जाता है और कोई फर्क नहीं होता है। तो और साइंस लेने के बहुत सारे फायदे हैं और साइंस लेने के बहुत सारे नुकसान भी हैं। अगर आप साइंस ले लेते हैं, अगर आप आगे चल के इंजीनियर बनने के लिए सोच रहे हैं या नेवी में जाना चाहते हैं, मेडिकल में लाइन में जाना चाहते हैं, और साइंस लेने का एक और भी बहुत बढ़िया फायदा ये है कि अगर आप एवरेज स्टूडेंट हैं तो एक होता है कि अरे यार मुझे तो इंग्लिश आती नहीं है तो मैं कैसे पढ़ूँगा, तो आप लगातार 2 साल में अंग्रेजी को लिखते 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 पढ़ते पढ़ते आप जो है अंग्रेजी सीख जाएंगे। ये मेरा मानना है, मैं भी एक एवरेज स्टूडेंट था, सरकारी स्कूल से था, लेकिन जब मैं इंटर में गया तो लगातार मतलब देखते देखते पढ़ते पढ़ते, कोई भी चीज़ अभ्यास के ऊपर है, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपकी याददाश्त क्षमता ये सब सारा बढ़ते चला जाएगा। साइंस लेने से आपको ये बेनिफिट है कि जब आप बीए में जाते हैं तो वहाँ पे अगर आपका साइंस रहेगा तो आप आसानी से कॉमर्स और आर्ट्स को चुन सकते हैं। अगर आपका विचारधारा बदल जाए कि हम अब जो है साइंस नहीं पढ़ेंगे, हम आर्ट्स पढ़ेंगे, कॉमर्स पढ़ेंगे, तो आप वहाँ पे अलग अलग सब्जेक्टों का चुनाव कर पाएंगे। लेकिन अगर आप अभी कॉमर्स ले लेते हैं या आर्ट्स ले लेते हैं तो आप बीए में दाखिल होते टाइम आप इन साइंस को नहीं ले सकते। और दसवीं के बाद आपको निर्णय एकदम बहुत ही सोच विचार के लेना है, सोच विचार के इसलिए लेना है ताकि आपको जो आने वाला समय है वो आपके पढ़ाई से ही रिलेट करेगा।
जैसे कि इंटर में आप जिस सब्जेक्ट का चुनाव करेंगे, अगर उसी तरीके से आप आगे बढ़ते जाएंगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। और अगर आप अदर अदर सब्जेक्टों का चुनाव करके फिर बीए में अलग सब्जेक्ट ले लेंगे, इंटर में अलग सब्जेक्ट ले लेंगे, तो आपको दिमाग में बहुत ही बोझिल लगने लगेगा कि हम पढ़ाई अब नहीं करेंगे, हम फंस गए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, तो बहुत सारी परेशानी आ जाती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप मैट्रिक में कमज़ोर छात्र हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि हम साइंस लेके पढ़ें, मुझे इंग्लिश पढ़ना है, साइंस लेना है, तो हम आगे कैसे पढ़ें, तो आप बिल्कुल ही साइंस ले सकते हैं। स्ट्रॉन्ग हर कोई होता है, बस फर्क इतना ही होता है कि किसी का प्रैक्टिस कम होता है, किसी का प्रैक्टिस ज़्यादा होता है। आप जितना ज़्यादा किसी चीज़ को पढ़ते चले जाएंगे, रटते चले जाएंगे, तो उसी से आपकी जो मानसिकता में है विकास होती चली जाएगी। तो आप साइंस को प्राथमिकता दे सकते हैं। अब आपको हम आर्ट्स लेने के फायदे बताते हैं। अगर आपका सपना अभी से है कि 10वीं कक्षा के बाद, 11वीं पढ़ने के बाद, बीए पढ़ने के बाद मुझे सिविल सर्विसेज में जाना है, मुझे यूपीएससी करना है, डीएसपी बनना है, एसपी बनना है, थानेदार बनना है, तो बीपीएससी करना है, वीडियो बनना है, सीओ बनना है, अगर आपका सपना ये डिफेंस लाइन का होगा, सिविल सर्विसेज का होगा, तो आप 10वीं कक्षा के बाद साइंस को प्राथमिकता बिल्कुल भी ना दें। 10वीं कक्षा के बाद आप आसानी से आर्ट्स ले लें और 10वीं कक्षा के बाद से ही आर्ट्स की पूरी अच्छे तरीके से आप पढ़ाई करें, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, जितने भी सारे सब्जेक्ट हैं, आप उन सारे सब्जेक्टों को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ते जाएं। छठा क्लास से लेकर 12वीं तक की जो किताब है, बुक है, उसको फिर से एक बार आप पढ़ें, तो जब आप की छठी से लेकर 12वीं तक की सब्जेक्ट जब मजबूत होगी, तो जब आप 12th में भी आर्ट्स लेंगे तो वहाँ भी आप वही सब्जेक्ट पढ़ेंगे, जब आप बीए में जाएंगे तो वही सब सब्जेक्ट लेंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सब। तो इससे होगा क्या कि आपका जो जीके है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, और स्ट्रॉन्ग होने का फ़ायदा ये होगा कि आप बीपीएससी, यूपीएससी, ये सब जितने सारे एग्ज़ाम होते हैं, आप इनके लिए बहुत ही सुचारू रूप से, आपको ज़्यादा डिप्रेशन फील नहीं होगा, और आप इन सब एग्ज़ामों को बहुत ही आसानी से क्रैक जरूर कर पाएंगे अगर आप मेहनत करेंगे तो। इन सब एग्ज़ाम का है कि शुरू से आपका बेसिक जो रहेगा वो बहुत ही मजबूत रहेगा, तो जब शुरू से बेसिक आपको लगातार मजबूत हो जाएगा तो आपको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आर्ट्स लेने के ये फ़ायदे हैं कि आप इन सारे चीज़ों में जा सकते हैं। और दूसरी चीज़ क्या है कि अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हैं, गरीब फैमिली से आते हैं, तो हालांकि गरीब लड़का भी आईएएस बना है, एक साइकिल पंचर बनाने से लेकर यूपीएससी तक का सफ़र रहा था, जिसको खौफ रहता है कि हम एग्ज़ाम को निकाल लेंगे, जिसका खून गर्म है, तो वो उस एग्ज़ाम को ज़रूर से ज़रूर निकाल सकता है। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि हमारे पास पैसा की बहुत कमी है, हालांकि पैसा की भी जिसके पास कमी होता है, निकालने वाला किसी भी तरीके से पढ़ के निकाल देता है, लेकिन हालांकि फिर भी अगर आप सोचते हैं कि हमारे पास पैसा की कमजोरी, या तो मेरा दिमाग ज़्यादा पढ़ाई में लग नहीं पाता है, चल नहीं पाता है, तो आप मैट्रिक के बाद जो है आर्ट्स को प्राथमिकता, मतलब कि अगर आप छोटा मोटा नौकरी भी चाहते हैं तो आप आर्ट्स को भी ले सकते हैं कि मुझे इंग्लिश में साइंस नहीं पढ़ना, तो आप वो आर्ट्स ले लीजिए, और साइड से आप कंपटीशन का तैयारी 10वीं के बाद से ही, जितने सारे आर एस अग्रवाल, आर डी शर्मा, जितने भी सारे बुक हैं, बेसिक बुक, इसे आप पढ़ते चले जाएं, तो इससे क्या होगा कि आपकी वहाँ इंटर की भी तैयारी धीरे धीरे पूरी होती चली जाएगी, और आपका इधर से ही बेसिक से आपका जो है एसएससी, रेलवे, ये सब के लिए जो है स्ट्रॉन्ग जो है होते चल जाए। वीडियो के अंत में आपको हम बताएंगे कि जो साइंस है, आर्ट्स है, कॉमर्स है, तो इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, ये सारा हम आपको वीडियो के लास्ट में आपको बता देंगे। अब हम आपको कॉमर्स के बारे में बताते हैं। अगर आपका सपना है कि एक बहुत ही अच्छा बिजनेसमैन मैं बनूँ, बहुत ही अच्छा मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बनूँ, बैंकिंग में, बैंकिंग सेक्टर में बड़ा
लेवल पे काम करूँ, चार्टर्ड अकाउंट बनूँ, द अकाउंटेसी बनूँ, तो ये सब जितने सारे बनते हैं वो आपका कॉमर्स सब्जेक्ट लेने से इसमें आपको बहुत ही बड़ी मुनाफा हो सकती है। जब आप बीए में जाएंगे वहाँ भी आप बीकॉम ले लेंगे, आप कॉमर्स ले लेंगे, तो आप एमबीए ये सब के लिए बहुत ही बेहतर तरीके से पढ़ के एक बहुत बड़ा बड़ा बिजनेसमैन का जो सीईओ होता है, आप बड़ा बिजनेसमैन का बुक भी, उसके बाद बिजनेस लॉ का बुक आता है, तो आप इन सारे चीज़ों को आप पढ़ सकते हैं। तो अगर आपको कॉमर्स लेना है, कॉमर्स की सोच रहे हैं, तब आप इन सब लाइन में अगर आपको जाना है तो आप कॉमर्स के लिए परिपूर्ण रूप से आश्वस्त हो सकते हैं। छोटी सी बात ये बताता हूँ कि साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, तो तीनों जो स्कोप है इसके अलावा और कौन सा स्कोप है? तो साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स के अलावा आप आईटीआई, डिप्लोमा जो होता है, पॉलिटेक्निक होता है, तो इन सारे चीज़ों का भी तैयारी आप साइट से कर सकते हैं। अगर आप दसवीं कक्षा पास कर लिए, अगर आपका सपना है कि हम आईटीआई करें या तो पॉलिटेक्निक करें, तो आप पॉलिटेक्निक और आईटीआई भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स से रिलेट करते हैं, अगर आप उन चीज़ों को पढ़ना चाहते हैं, तो आप बेझिझक इन तीनों में जो भी आपका सपना होगा, जिस क्षेत्र में जाना होगा, आप इंटर से ही उन सब्जेक्टों को चुनाव कर लें, तो आपको कोई तरह का परेशानी जो है सो नहीं हो पाएगी। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि किसी किसी का सपना मैट्रिक के बाद होता है। कोई जो एवरेज स्टूडेंट होते हैं, जो बहुत कमज़ोर स्टूडेंट होते हैं, जो सरकारी स्कूल से पढ़ के निकले होते हैं, लेकिन अगर उसका सपना होता है कि मैं साइंस पढ़ूं, और मन में ये भी सवाल आते हैं कि मैं कमज़ोर स्टूडेंट हूं, तो साइंस को मैं पढ़ नहीं पाऊंगा, मैथ हमसे हिलता नहीं है, तो ये इसमें हम क्या सुझाव दे सकते हैं? तो इसमें आपको यही सुझाव दे सकते हैं कि सारा क्वालिटी आपके अंदर है। जिस तरीके से तेज स्टूडेंट अपने डेली लाइफ में सुबह से लेकर रात तक जो कार्य करता है, जैसे खाना खाता है, सोता है, मतलब कि जितना भी ज़रूरत चीज़ें उसके साथ होती है, उतना ही ज़रूरत जो है से एक कमज़ोर छात्र के साथ भी होती है। लेकिन बात यह है कि हम मानते हैं कि कुछ प्राकृतिक शक्ति भी होता है, जो किसी किसी का दिमाग एक ऐसा होता है कि एक बार में पढ़ लिए आद हो गया, लेकिन किसी किसी का होता है उसको दो चार बार पढ़ना पड़ता है। लेकिन एक बात ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि सीखते सब हैं और सीख हर कोई सकता है। अगर वो 100 बार पढ़ा और आप 400 बार पढ़ लिए, तो सीधी सी बात है कि आप ज़रूर से स्ट्रॉन्ग हो सकेंगे। और हमारे गुरु जी यही बात बोलते थे कि लाइफ में अगर कुछ करना है तो किसी भी चीज़ का प्रैक्टिस इतना बार कर लो, इतना बार कर लो कि अगर वो चीज़ अगर भूलने की कोशिश भी करे तो वो अपने आप कभी भूल नहीं सकती है। और मैं इस बात से आपको आश्वस्त कराता हूँ कि जिस चीज़ में भी आप कमज़ोर हैं, जिस चीज़ में इंग्लिश, मैथ, जीके, जीएस, किसी भी क्षेत्र में आप जिस क्षेत्र में कमज़ोर हैं, आप उनकी इतना ज़्यादा प्रैक्टिस कर लीजिए कि आप उस चीज़ में ज़रूर मजबूत हो जाएंगे। और अगर आपको मोटिवेशन चाहिए तो एक छोटी सी अपनी स्टोरी सुनाता हूँ कि जब मैं इंटर में था तो हमारा मैथ बिल्कुल ही डल था और इंग्लिश में, इंग्लिश तो उससे भी बहुत ही ज़्यादा डर लगता था। जब मैं सरकारी, क्योंकि मैं सरकारी स्कूल से पढ़ के निकला था, तो मैं ये सोचता था कि मैं आईएससी कैसे पढ़ूंगा, और हमारे जो बड़े भैया हैं वो साइंस में ही लिखवा दिए, अब बोले कि तुमको तो साइंस ही पढ़ना है, चाहे तुम फेल हो जाओ चाहे पास हो जाओ। लेकिन मुझे इतनी ज़्यादा परेशानी हो गया कि जब टीचर पूछते थे व्हाट इज वेलोसिटी, तो खड़ा होकर बोलते थे वेलोसिटी इज द टाइम ऑफ, वेलोसिटी इज द टाइम ऑफ, बस इसी में फंस जाते थे और मार खाते थे। लेकिन हुआ क्या कि लगातार फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस, कोशिश करते करते, और मैथ जो था सो उसमें तो मेरा इतना ज़्यादा गड़बड़ी था कि जब हम टीचर से पूछने जाते थे सर ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, तो वहाँ पे टीचर क्या बोलते थे कि तुम मैट्रिक पढ़ गया,
अरे यार तुम्हारे पास तो दिमाग है ही नहीं, तूने मैट्रिक अच्छे से पढ़ी नहीं, मैथ पढ़ा नहीं अच्छे से, और यहाँ पे माइनस प्लस में फोल्ड हो जा रहा है। और इस तरीके से बोलने के बाद इतना ज़्यादा डिप्रेशन फील हो जाता था कि मैं आपको क्या बताऊँ। लेकिन लगातार कोशिश करने के बाद मैं ठान लिया कि मैं तो स्ट्रॉन्ग करके रहूँगा तो रहूँगा, और मैं लगातार हर एक चैप्टर को मैंने प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया, उसको समझना स्टार्ट किया, उसके जितने सारे एग्जाम्पल है उससे समझना स्टार्ट किया, दूसरे से पूछ पूछ कर समझना स्टार्ट किया। तो बाद में जाकर मेरी मैथ जो है अपने आप एकदम स्ट्रॉन्ग बन गई। जब मैं कोचिंग जाता था फिर भी माइंड में मेरा चलते रहता था कि साइन क्यू माइनस फोर कॉस क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इन सारे को माइंड में चलाता रहता था, जिससे होता क्या था कि एक मतलब आग लग गया था सीने में कि हमको मैथ स्ट्रॉन्ग करना ही। और परिणाम क्या हुआ कि मैथ जो है मेरा बाद में बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग हो गया। और अगर आप किसी भी सब्जेक्ट में कमी है कमज़ोर हैं तो मेरा मानना है कि आप उस सब्जेक्ट में स्ट्रॉन्ग जरूर बन सकते हैं। बस आपको ज़रूरत क्या है, आपको प्रैक्टिस का ज़रूरत है और समझने का ज़रूरत है। तो आप जो हैं सो हमारे चैनल से जुड़े रहें, हम अच्छी अच्छी जानकारियों को इस चैनल पर लाते रहते हैं। और अब आपको हम तीनों सब्जेक्ट में विस्तार रूप से कौन कौन से सब्जेक्ट इसमें आते हैं वो आपको हम डिस्कस कर देते हैं। पहले हम आपको साइंस के बारे में बता देते हैं कि साइंस में कितने सारे सब्जेक्ट होते हैं। तो साइंस में अगर आपको मेडिकल लाइन में जाना है तो आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश और ऑप्शनल में कोई भी सब्जेक्ट को आप चुन सकते हैं, जैसे इकोनॉमिक्स हो गया, मैथ हो गया, और भी सब्जेक्ट जो है आप उसे चुन सकते हैं। लेकिन अगर आपको नॉन मेडिकल में जाना, मेडिकल लाइन में नहीं जाना है, तो आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ ऑप्शनल सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, मैथ और कोई भी आप ऑप्शनल सब्जेक्ट को चुन सकते हैं। आपको कॉमर्स लेना है तो आप इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी, इंग्लिश और अदर ऑप्शनल सब्जेक्ट को आप इसमें आप ले सकते हैं। आर्ट्स लेने के लिए सोच रहे हैं तो इसमें आप आपके जो मेन सब्जेक्ट हो सकते हैं उसमें ह्यूमैनिटीज, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स, ये सब आप सब्जेक्ट को ले सकते हैं। नहीं तो आप ऑप्शनल में जो है सो मैथ, होम साइंस, लीगल स्टडीज, फाइन आर्ट, फिजिकल एजुकेशन, मीडिया स्टडीज, तो इन सब सारे सब्जेक्टों को आप ले सकते हैं। आप साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स का चुनाव कर सकते हैं। अगर आपको अलग से पढ़ना था आईटीआई, पॉलिटेक्निक, डिप्लोमा, ये सब जो अलग हट के होती है, तो आप इन सब को भी पढ़ सकते हैं। आप अपना हिसाब से कैरियर को एक सही दिशा में ले जाने के लिए अभी से सोच लें, क्योंकि मैट्रिक के बाद ही आपका एक सबसे बड़ा भविष्य बनने वाला होता है, जो आदमी को गिरा भी देता है और आदमी को उगा भी देता है। ऐसे मोड़ पे होते हैं कि मुझे सही गाइड मिल सके अपने माता पिता से, टीचर से, सीनियर से। एक बार आप अपने सीनियर से, माता पिता से गाइड जरूर ले लें और दूसरा बार में अपने आप को झांकें, पास क्या क्या खूबियाँ हैं और आपके पास क्या क्या खूबी नहीं है, तो उन सारे चीज़ों को देखते हुए, अपने फैमिली का बैकग्राउंड देखते हुए, अपनी फैमिली को देखते हुए, अगर आपको लगता है कि मतलब पढ़ाई लिखाई मेरे लिए बहुत बोझिल है, हमको कुछ समझ में नहीं आता, तो आप अपना फैमिली का पैसा बिल्कुल भी बर्बाद ना करें। आप उसी टाइम से कुछ नया सोच लें, कुछ कला सीख लें, जिसे आप लाखों लाखों हजारों ज़रूर कमा सकते हैं। हमारे कुछ दोस्त लोग ऐसे हैं जो मैट्रिक के बाद उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और अभी वो मंथली का लाखों रुपया कमाते हैं। कोई मशीन खरीद लिया, पोकलिन खरीद लिया, वो सब चलवाते हैं। वो सब क्या कर लिया कि उनको ऐसा लगा कि हम पढ़ाई नहीं करेंगे, हमको ये सब बहुत बोझिल लगता है, तो उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और वो पैसा कमा के किसी तरह अपना जीवन गुजारा कर रहे हैं, बदनामी से बचे हैं। लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो मैट्रिक के बाद बाहर पढ़ने के लिए चले गए, घर का सारा पैसा भी बर्बाद कर दिए और खुद भी बर्बाद हो जाते हैं, और बाद में पता चलता है कि 5,000 वाला नौकरी भी नहीं मिल पा रहा है।
तो इन सारी चीज़ों से आप दूर रहें, और सबसे पहले नेगेटिविटी लोगों से दूर रहें, क्योंकि नेगेटिविटी एक ऐसा बीमारी है कि आपको नेगेटिव बना देगा। अच्छा बनने के लिए आपकी जो सोच होनी चाहिए, आपकी जो दिशा होनी चाहिए डेली लाइफ में, वो आपकी एक सही दिशा में होनी चाहिए। अच्छे लोगों से मित्रता करें, अच्छी किताबें पढ़ें, अच्छे लोगों के बीच में रहें, अपने से सीनियर लोगों के साथ हमेशा रहने की कोशिश करें, तो उनसे आप एक नई नई चीज़ें सीखते चले जाएंगे, आपकी जो दिशा होगी वो बहुत ही अच्छी होगी। और नेगेटिविटी लोगों से बिल्कुल ही दूर हो जाएं, वो अभी आपको माने या तो ना माने, उससे मेरा काम बने या तो ना बने, लेकिन बाद में वही लोग आपसे अपने आप जरूर पूछेंगे। तो आप जो हैं अपनी दिशा का एक सही चुनाव करें, एक सही डायरेक्शन को अभी से सोच लें, आप बिल्कुल ही ज़रूर सफलता हासिल कर पाएंगे। और इस चैनल पर आप बने रह सकते हैं, मैं इस चैनल पर बहुत ही अच्छी अच्छी जानकारी को लगातार प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ, जिससे हमारे दैनिक जीवन में एक बदलाव आ सके। तो इस चैनल पर आप सभी को बने रखने के लिए बहुत बहुत दिल से शुक्रिया और धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।